नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई की, राहुल गांधी के वायनाड से नामांकन की, देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के मुद्दे पर फिर से बढ़ाई बीजेपी की परेशानी, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहां से किया घर घर चुनाव प्रचार का आगाज, बात होगी चुनावी चंदे पर फिर से घिरी एसबीआई की, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे राज्यसभा में इतिहास के एक दौर के खत्म होने की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एनसीपी जित गुट की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरद पवार, घड़ी चुनाव चिन्ह पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करने का लगाया आरोप। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जारी की बीएसपी की तीसरी लिस्ट, मथुरा से बदला कैंडिडेट, लखनऊ समेत यूपी के 12 और नामों का किया ऐलान। ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और व्यापारी हिरण अंदानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया दर्ज, कथित रूप से सवाल पूछने का है मामला। और शेयर बाजार में गिरावट, 27 अंकों की गिरावट के साथ 73,876 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 18 अंकों की गिरावट के साथ 22,434 पर बंद हुआ निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से मौजूद वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर गंभीर सवाल उठाए और केजरीवाल की गिरफ्तारी किस आधार पर हुई ये सवाल अदालत के सामने रखा। ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिए। तो क्या कुछ खास रहा आज की सुनवाई में, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने पूरे देश में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में बुधवार को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी मौजूद रहे, तो ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने पैरवी की। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से ये निश्चित हो गया है कि वो लोकतांत्रिक गतिविधियों में नहीं शामिल हो पाएंगे। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि पहला समन अक्टूबर 2023 को भेजा गया और गिरफ्तारी 21 मार्च को ही। इससे दुर्भावना की बू आती है और इससे हमारा मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुँच रहा है। मैं यहाँ राजनीति की नहीं बल्कि कानून की बात कर रहा हूँ। गिरफ्तारी की टाइमिंग इशारा करती है कि ये असंवैधानिक है, जिस पर ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने कहा कि अपराधी और आरोपी ये नहीं कह सकते कि हम गुनाह करेंगे और हमें इसीलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाव है। सिंघवी ने सवाल उठाते हुए कहा कि घोटाला काफी पहले सामने आया, फिर इलेक्शन के बीच में गिरफ्तारी क्यों हो रही है। साफ है कि बहुत पहले हुए घोटाले का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि फायदा उठाया जा सके। इस बात के कोई सबूत नहीं है कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे, जिस पर ईडी ने कहा कि हमारे पास व्हाट्सएप चैट है, हवाला ऑपरेटर के बयान है। ऐसा नहीं है कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, हमारे पास बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स का डेटा भी है। 5 घंटे तक चली इस लंबी बहस के बाद कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब ये सवाल है कि फैसला किसके पक्ष में आता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अब उंगलियां बीजेपी की तरफ भी उठ रही हैं कि वो विपक्ष के लोगों से राजनीतिक बदलाव ले रही हैं। इस बदले का शिकार राहुल गांधी भी बने थे और उनकी सांसदी भी खत्म कर दी गई थी, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहाल भी हो गई थी। और आज राहुल गांधी फिर से केरल की वायनाड सीट पर अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। राहुल ने एक रोड शो भी वायनाड में किया, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में हैं। बुधवार को केरल के वायनाड से उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा यह लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के लोग संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया, वहां रोड शो किया और इस दौरान उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। राहुल गांधी के इस रोड शो में बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम उनके साथ चलता हुआ नजर आया। कांग्रेस सांसद ने जनता को संबोधित करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल पहले वायनाड आया जब आपने मुझे संसद सदस्य के रूप में चुना, आपने तुरंत मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। वायनाड के हर व्यक्ति ने मुझे स्नेह, प्यार और सम्मान दिया है और मुझे अपने जैसा माना।
राहुल ने क्षेत्र की जनता से कहा कि आपका सांसद होना सौभाग्य की बात है। मैं आपके साथ एक मतदाता की तरह व्यवहार नहीं करता हूँ, मैं आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ जैसे मेरी छोटी बहन प्रियंका के साथ व्यवहार है। वायनाड के घरों में मेरी बहनें, माँ, पिता और भाई हैं, और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपको बता दें, वायनाड में लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड की सीट पर 4.31 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। वायनाड में कुल 13,59,669 मतदाता थे, जिसमें राहुल को 7,06,367 वोट हासिल हुए थे। राहुल गांधी के नामांकन की जानकारी देते हुए कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लोकतंत्र बचाने के लिए, अन्याय को मिटाने के लिए आपके राहुल आज वायनाड से नामांकन भर रहे हैं। राहुल गांधी की रोड में उमड़ी भीड़ से बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई होंगी। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला लिया जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वीवीपैट से जुड़ी एक और याचिका की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और इस याचिका को अगले हफ्ते के लिए सूचीबद्ध करने का फैसला लिया गया है, जिससे बीजेपी परेशान हो सकती है। ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद सियासत गर्मा गई है। ईवीएम को लेकर विपक्ष का विरोध और मजबूत हो गया है तो मोदी सरकार तनाव में आ गई है, और अब वीवीपैट को लेकर एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने सुप्रीम कोर्ट में सभी ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगाने के मसले पर याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में एनजीओ ने कोर्ट को निर्वाचन आयोग और केंद्र को ये सुनिश्चित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया है कि मतदाता वीवीपैट के माध्यम से ये सत्यापित कर सके कि उनका वोट जैसा दर्ज किया गया है वैसे ही उसकी गिनती की गई है। ADR की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई की जाए, जिस पर कोर्ट ने याचिका को अगले मंगलवार या बुधवार को सूचीबद्ध करने की बात कही है। मामले में तत्काल सुनवाई पर जोर देते हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अगर मामले पर सुनवाई नहीं हुई तो याचिका निरर्थक हो जाएगी। इस पर पीठ ने कहा कि अदालत को स्थिति के बारे में जानकारी है और अगले सप्ताह इस पर सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि वह ईवीएम से किए गए मतदान और फिर आने वाली वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट की पर्ची का पुनः सत्यापन कराने के अनुरोध वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा, जिसके बाद मोदी सरकार की धड़कनें बढ़ गई हैं। विपक्ष लंबे वक्त से ईवीएम से मतदान की निष्पक्षता पर सवाल उठाते आया है और एक के बाद एक कोर्ट के फैसलों ने उनके विरोध को और मजबूत कर दिया है। आपको बता दें, सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनाव में ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट मशीन की पर्चियों से कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। याचिका में मांग की गई थी कि ईवीएम में पड़े सभी वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से करना चाहिए, वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए, वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख दी है। ईवीएम के मुद्दे पर बीजेपी हमेशा बचाव की मुद्रा में दिखती है, लेकिन अब इस मामले पर कानूनी दांवपेच शुरू हो गए हैं। वहीं अब चुनाव प्रचार के नए नए दांवपेच भी पार्टियों ने शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा में देश के चारों दिशाओं में जनसंपर्क पहले ही कर लिया। अब कांग्रेस पार्टी ने घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान क्या कहा, आप देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को दिल्ली से पार्टी के घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की। पार्टी का ये चुनावी अभियान 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता देश के करोड़ों घरों तक पहुंचेंगे और जनता को कांग्रेस की गारंटियों के बारे में जानकारी देंगे। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, ये गारंटी के कार्ड हमारे लोग घर घर बांटेंगे, वो लोगों को बताएंगे कि हमारी सरकार आने के बाद हम क्या क्या काम करेंगे। हम लोगों को गारंटी देते हैं कि हमारी सरकार हमेशा गरीबों के साथ रहेगी और गरीबों के लिए काम करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने गठबंधन सरकार के समय की अहम योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में देश की जनता को फायदा हुआ है। इस दौरान खड़गे ने मोदी सरकार पर कई बड़े इल्जाम भी लगाए। खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी अपनी गारंटी की बात करते हैं, लेकिन उनकी गारंटी कामयाब नहीं हुई। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात की, लेकिन लोगों को नौकरी नहीं मिली। उन्होंने 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन ये गारंटी भी पूरी नहीं हुई। खड़गे ने इल्जाम लगाया कि मोदी सरकार ने किसानों से किए वादे भी पूरे नहीं किए। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर बुनियाद होगा। ये 5 अप्रैल को जारी किया जाएगा।
चुनाव के पहले तमाम दलों की तैयारियां जोर शोरों से दिख रही हैं, लेकिन इस बीच चुनावी चंदे का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग से इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़े आंकड़े तो साझा कर लिए, लेकिन एक आरटीआई के जवाब में एसबीआई ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेचने और भुनाने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी बताने से इनकार कर दिया। क्यों किया है एसबीआई ने ये इनकार, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनावी चंदे के मुद्दे पर एक बार फिर एसबीआई विवादों में है। एसबीआई ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेचने भुनाने की मानक प्रक्रिया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी बताने से इनकार कर दिया, जिसके तहत इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स बेचे और भुनाए गए। इसे लेकर एक बार फिर एसबीआई सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने आरटीआई दायर कर एसबीआई की ऑथोराइज्ड ब्रांचों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जारी करने की एसओपी की जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में एसबीआई ने सूचना के अधिकार की एक धारा के तहत छूट का हवाला देते हुए ये जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस आरटीआई के जवाब में एसबीआई ने कहा कि कुछ चीजें कमर्शियल कॉन्फिडेंस के तहत आती हैं। एसबीआई ने कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम 2018 की एसओपी हमारी ऑथोराइज्ड ब्रांचों के लिए समय समय पर जारी की गई थी। बॉन्ड्स को कैसे बेचा जाना है इसको लेकर बाकायदा इंटरनल गाइडलाइंस थी। इसके मायने ये है कि ये गाइडलाइन संस्थान का अंदरूनी मामला था, इसे आरटीआई एक्ट की धारा 81B के तहत छूट मिली हुई है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि अब एसबीआई क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है, साथ ही बॉन्ड्स के बेचने और भुनाने के सभी विवरणों का स्पष्ट रूप से खुलासा करने का भी निर्देश दिया है। इसके बावजूद एसबीआई ये जानकारी देने से इनकार कर रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को पूरी जानकारी सार्वजनिक न करने को लेकर फटकार लगाई थी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सारा डेटा सार्वजनिक होने के बाद बीजेपी कई आरोपों से घिर गई है। ऐसे में अब एसबीआई की जानकारी देने से इनकार पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एसबीआई की आनाकानी इशारा करती है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए बड़ा खेल खेला जा सकता है। वैसे इस समय दल बदल का खेल भी खूब चल रहा है और इसमें बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। आज का झटका बीजेपी को महाराष्ट्र में लगा, जहां बीजेपी सांसद ने शिवसेना उद्धव गुट की मशाल थाम ली। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। इस बार बीजेपी को महाराष्ट्र से झटका लगा है। बता दें कि उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव से बीजेपी के सांसद उन्मेष पाटिल बीजेपी का साथ छोड़कर विपक्षी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे में शामिल हो गए। पाटिल अपने समर्थकों के साथ पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर मातोश्री पर शिवसेना यूबीटी में शामिल हुए। दरअसल बीजेपी ने जलगांव से मौजूदा सांसद उन्मेष पाटिल का टिकट काट दिया था, जिससे पाटिल काफी नाराज थे और उन्होंने शिवसेना में शामिल होने का मन बना लिया। पाटिल ने मंगलवार को राउत से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके इस राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि पाटिल के पार्टी में शामिल होने से जलगांव और उत्तर महाराष्ट्र में पार्टी की संभावनाओं को मजबूती मिलेगी और उसकी जीत आसान होगी। भाजपा ने जलगांव संसदीय क्षेत्र से पाटिल की जगह स्मिता वाघ को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं और सभी 48 सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होने हैं और ऐसे वक्त में बीजेपी से सांसदों का पाला बदलना उसके लिए भारी नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। और बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे राज्यसभा में एक युग के अंत की। दो बार प्रधानमंत्री रहकर देश को नई दिशा देने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक खत लिखा। क्या लिखा इस चिट्ठी में, आइए देखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल खत्म होने पर एक पत्र लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। खत में खड़गे ने लिखा कि 3 दशकों से ज्यादा वक्त तक सेवा करने के बाद आप राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो एक युग का अंत हो गया है। बहुत कम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने आपसे ज्यादा समर्पण और ज्यादा निष्ठा से हमारे देश की सेवा की है। बहुत कम लोगों ने देश और उसके लोगों के लिए आपके जितना काम किया है। आपके मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य की बात है। पिछले 10 सालों में जबकि मैं लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता रहा हूं, आप हमेशा ज्ञान का स्रोत रही हैं और ऐसी व्यक्ति रही हैं जिनकी सलाह को मैं महत्व देता हूं। ये आप ही थे जिन्होंने दिखाया कि गरीब भी देश के विकास में भाग ले सकते हैं और गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। आपकी नीतियों की बदौलत आपके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाब रहा, जो दुनिया में गरीबी से बाहर आए लोगों की सबसे बड़ी संख्या है।
ओबामा द्वारा मनमोहन का जिक्र किए जाने को लेकर खड़गे ने कहा कि मुझे याद है कि राष्ट्रपति ओबामा ने आपके बारे में कहा था कि जब भी भारतीय प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पूरी दुनिया उन्हें सुनती है। ये सिर्फ कुछ उदाहरण है जिनका मैं राष्ट्र के प्रति आपके अनेक योगदानों में से उल्लेख कर रहा हूँ। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।